कैसी हो? खैरियत से हो? खैरियत से हो। इधर आप देखो, अगर तुम ये सिंक पे लगा दोगी ना तो पानी फरारे से आएगा, तो पानी कम भी बहता है और आगे की तरफ आता है। ये देखो कितने का टोटी जो है YouTube पे तो मैं कहाँ से मिल जाती है, अच्छी वीडियो हमें नहीं मिलती। अरे इसमें बहुत सामान होता है, सिंक में तश्तरी लगा दो, उसमें सामान लगा लो। हमारे में तो बस खाने का आता रहता है। हमारी रेशमा ने जाने क्या सेटिंग कर दी है, ये पका लिए, वो पका लिए, पका लिए, वो पका लिए, जैसे हमारी जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है पकाने के अलावा। खैर गर्मी बहुत हो रही है, पसीने की तुल्लियां बह रही है। क्या फोन में लगी हुई आज, बड़ी फुर्सत हो गई यार। आज इतनी लान से बैठी थी, मैंने कहा अब तो फारिग होगा सारे कामों से, माशाल्लाह से रोजे वोजे ईद भी सब सुकून से निपट गई। और बता। अच्छा बहुत। अरे हमारा कुछ नहीं, बस अब इंतजार हो रही है माशाल्लाह शाकिर की मुन्ना आने का। अरे तो तुमने मुझे लगा लिया यूट्यूब पे, यही तो होता है फोन मनहूसियत। गुज्जा मैं यूं तो कह रही थी तुमसे, अस्पताल से मम्मी के वहां से आ रही हूँ, अब अस्पताल जाऊंगी तो जरा सारी देर में थक गई, मैंने कहा जरा से सांस ले लो। घर जाने से पहले मैंने कहा तुम्हारे जाऊंगी दो कप कोई चाय पूछ लेगा, हमारी लौंडियों को तो इतनी वो नहीं है। मैं कहती हूँ बेटे चाय रख के आइए आंटी के। बेटे दूध ज्यादा डालना जरा, थकन हो रही है, और बिस्कुट भी क्रीम वाले देना। उनकी अम्मी को, उनकी बहनों को तो होश नहीं है, हम बैठे रहेंगे हम ही करेंगे, मेरी अम्मी करेंगे, उनकी अम्मी को कोई होश नहीं था। मेरा शाकिर बेचारा एक टांग अस्पताल में, एक टांग घर पे, एक टांग केमिस्ट्री दुकान पे है, और डॉक्टर भी कोई सुई लिया ये लिया वो लिया, कोई खर्चा है बच्चा पैदा करना आज के जमाने में तो पूरा हद्दक है। ऊपर से डॉक्टर कह रही है ऑपरेशन से ही होगा, ऑपरेशन से हम कह रहे हैं भाई नॉर्मल कर दे, ऑपरेशन से बस तीन बच्चे हो सकते हैं। यही तो कमबख्त बताओ, तीन भी कोई बच्चे होते हैं? और मेरी बात सुनो, इतना क्या चो चला है डॉक्टर वाक्टर, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा था डॉक्टर वाक्टर, हम तो एक दिन पहले तक बाल्टी भर भर के रख रहे थे और दो दिन बाद बच्चा, कोई बात हुई? वही तो मैं कह रही हूँ, तुमने तो बहुत ही काम किया है, मेरी आंखों से देखी थी कायनात की डिलीवरी तुम्हारी, बाल्टियां भर भर के इधर से उधर रख रही थी, पोछा लगा रही थी, तभी तो तुम्हारी माशाल्लाह से सेहत ऐसी, इतने बच्चों के बाद भी ऐसी दुबली पतली, और इतना काम कर लेती हाथ पैरों में इतनी जान है। वही तो, और वो तो बैठी रहती है, एक तो वजन इतना ज्यादा, ऊपर से कोई काम नहीं करना चाहती। अब देखो गुलाब शाह, छोटा मुंह बड़ी बात तुम कहोगी हमारे मैटर में बोल रही है, मगर जब तुम लड़की देखने गई थी मेरा दिल नहीं ठुक रहा था शाकिर के लिए, शाकिर में कोई कमी थी? लंबा चौड़ा लहीम शहीम काम करता हुआ लड़का तुम्हें था, बड़े घर की लड़की, बड़े घर की लड़की। अब ये नखरे तो आते हैं, देखो अब ये नखरे तो वो जहेज में लेके आई है, और कुछ नहीं लाई है। नखरे तो लेके आई है मगर अपनी जान अपना बच्चा तो खुद देखोगी। अच्छा ये पहले ससुराल होगी तुम्हारी या ससुराल वाले कर रहे हैं? मेक वालों को पता ही नहीं कर लो बच्चा आने वाला है। कुछ नहीं पता उनके मेक वालों, कुछ नहीं पता, हमारे यहाँ तो हुए नहीं है, हमारे यहाँ का तो पहला बच्चा। अरे तो ये शाकिर की बीवी क्या थी, बच्चा नहीं थी ये? कैसी बातें करती, हमारे तो भाई ऐसे होता था, हमारी तो सास कहती थी हाँ बेटे अब तुम अपने घर चली जाओ इतने दिनों के लिए, कि भाई अब ऐसी होता है, वो सोचती नहीं यहाँ कौन देखेगा ना सारे बच्चों को और माँ को और चच्चा को, तो ऐसी समझने लगते हैं। मैं यही तो तुमसे कह रही हूँ, वो उनका उनका तो ये है कि अब सारा काम उस चाकी की सात बहन है। मैं तो कह रही थी जन्नत में शादी हुई है, सात बहन है करने वाली, तो अब दौड़ रहे हम, कर रहे हैं दौड़ भाग। देखो तुम्हारी अम्मी पापा की तो जन्नत में बुकिंग हो गई है कह लो, हाँ माशाल्लाह से तीन बेटियों का बाद चार पाँच छः और सात, हमें कहा नसीब होगी बात, मैं तो दुआ कर रही हूँ शाकिर की लड़की हो, तुम्हारे घर में ना लड़कियाँ कम हैं तो ना रौनक सी रहती है लड़कियों से। वही यही तो मैं कह रही हूँ, अब उनको ये लग रही है छः बहनें एक ये करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? अरे हम कितना कर लेंगे, हमारे भी तो अपने पूरे पूरे घर हैं। अब मैं खड़ी रही जाके अस्पताल बाहर लेन में लगी, डॉक्टर का नंबर दिया, उनको लेके गई, एक तो उसका वजन, ऊपर से बच्चा का वजन, मेरी खुद कमर में दर्द हो गया। मजाक है कोई? उसके बाद फिर ये दवा लिया वो दवा लिया, और अम्मी को देखो मुझे फोन करती है, ना गुल नसरीन बाजी को करेंगी, ना गुलरेजा को करेंगी, ना गुलरुख को करेंगी, बस मुझे ही करती रहती है हर वक्त। देखो मेरी बात सुनो, फिर मैं कहूँगी तुम्हारा आग लगी, तुम कहोगी अपनी हसद निकाल लेंगे क्योंकि मियाँ का रिश्ता लगा हुआ था, गुलरेजा किसी के मर में नहीं पूछ, सब में बड़ी नकम्मी है वो, सब में बड़ी आज मान रही खाने आ जाती सबसे पहले। मगर अभी भी जब शाकिर का बच्चा होगा तो अस्पताल में चोच पे अपनी लिपस्टिक लगा के वहां खड़ी होगी, सब में पहले तैयार होके, ये नहीं पूछेगी कि कुछ चाहिए कि आप मर गए। मेरी बहन तुम तो देखो हमदर्द हो, हमारा तुमने इतना करा, अपनी अम्मी का तुमने इतना करा। मैं बहुत सीधी इंसान हूँ, बहुत सीधी।
हाँ वो भी, मगर तुम सबका करती हो ये बात, मैं इस बात की गवाह हूँ, सबका करती हो। हाँ तो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें इसकी जगह देगा, तुम इससे टेंशन मत लो। ये मेरी बात बता के काम की बात नहीं बता रही, हमें क्या मिलेगा शागर की मुन्ने पे सूट मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, सबको सूट मिलेगा। मैंने अम्मी से कह दिया सबसे महंगा वाला सूट मिल लूंगी, कहीं ये समझो कि सूट नहीं दोगे मुझे, जच्चा बच्चा सबका मैं कर रही हूँ, मैं ही करूंगी, मेरे पिनावनी और सारी चीजें भी मैंने करी है। ये बता छोचक वोचक सब, हाँ सब मैंने करी है। जा रही हूँ बाजार को, धक्के खा रही हूँ रोजा रख रख के। मैं बात सुनो तुम, मैं वो भी तो बच्चे की ना एक वो ले लेना जरूर, शेरवानी सी ले लेना, कोट सूट ले लेना, थ्री पीस लिया है, फिरोक भी ले ली थी, हम मालूम थोड़ी था। अब देखो क्या, वैसे देख के लग रही है लड़का होगा, उसकी हालत ना सही नहीं हो रही है, लड़की वाली नहीं लग रही है, है? तो लग हमको, हमें ये लड़का होगा, वैसे बताते तो है नहीं डॉक्टर, बट मैंने फिरोके भी ले ली थी, चटापट्टी के गरारे भी ले लिए थे, काम आ जाते हैं अगले वाले में, काम आ जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अभी तो होते रहेंगे ये, उम्मीद करो बस, ऑपरेशन से नहीं करा ले, कहीं तीन बच्चों के बाद हाथ जोड़ने का ना, मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा ना ऑपरेशन से नहीं होगा, बच्चा होगा तो नॉर्मल होगा। सही करा, समझदार हो ना तुम अपने घर में, तुम ही समझदार हो अपने घर में, जैसे मैं अपने घर में। तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैंने सुना रात बड़ा बुरा गैस का अटैक पड़ गया था। बस समझ लो पूरी रात जैसी आग लगती थी वैसे अटैक है, कर कर के। चाय पी लूं उससे पहले, तो कर लो। चाय देख के मुझे कुछ हो रही, आई हुई तो मैंने पीना ही। कफ कितने अच्छे लेके आई माशाल्लाह से, तुम्हारा दिल कैसे खुल गया आज जहेज के। अच्छा हाँ तो फिर क्या हुआ, ड्रिप चढ़ी क्या हुआ, तुम्हें भी ले चलूं अस्पताल, जाएगी तुम भी चल लो मेरे संग, देख लेना उनको भी। अब मैंने सुबह उठ के फिर मैंने ठंडा दूध पी लिया, लेमू पानी का पानी पी लिया, अब बेहतर हूँ, अब मैं सही हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी जब तुम जाओगी ना सूट लेने सबके, अपना खुद ही पसंद कर लूँ तो सही है। अब देखो दूसरे की पसंद से ये होता है कि दूसरे आदमी ने पसंद करी तो दिल नहीं ठुकता। सूट तो मेरी अम्मी लेंगी, मैं नहीं लूंगी, मेरी अम्मी काम कराती है मुझसे और माल वाली चीज करती है खुद, अम्मी भी मेरी सही नहीं करती, कभी कभी बेकार को माँ है मगर कर देती है, माँ भी औलाद के साथ कभी कभी ऐसे मुझसे अल्लाह पाक की गलती नहीं करवाए, मगर खैर इतने भाई बहनों में जरा सारी तो होती है इसकी तरफ रुझान ज्यादा उसकी तरफ। अब मेरी बात है तुम याद रखना, करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा और जो निकम्मे निठल्ली औलाद होगी अल्लाह उसको सब उसको सबसे नवाज देगा कि भाई माँ भी प्यार कर रही है, पैसा भी मिल गया और सब हो गया। देख लो बोल रहे कमबख्त मारी को, उसके मियाँ ने अल्टो गाड़ी भी तो ले ली और क्या, ऐसी त्रौनी है ऐसी बन रही थी, बच्चे इतना बन रहे थे हमारे बच्चे से लरस रहे थे, मैंने कहा अल्लाह दिखाएगा, बहुत इतरा रही है रमजानों में, अल्लाह दिखाएगा। खाला दद्दू ये बात मुझे एक दिन ताना मार के बोली कि मैं तो इसीलिए गुलरेजा से करना चाह रही थी कि गुलरेजा आती तो बब्बू की किस्मत खुल जाती, तो मैंने कहा मेरी किस्मत में नहीं था ना एल्टो में बैठना और गुलरेजा की किस्मत में नहीं था इस खतर का काम और आपके ताने, तो बुरा मान लो इतना बड़ा मुँह सुझा लिया, मैं कहा सुझाती नहीं सुझा के भी तो इसी घर में रहो, मुँह ही सूझा रहता रहती यही है, अब तो टांडा गए नहीं है पिछले चार महीने से, ऐसा सीन है मूंग दल लेंगे बैठ के, अब तो मेरे दिल पे होल उठने लगी है उनको देख के। टांडे का तो वो रास्ता भूल गई, निकलती टांडे के लिए पीछे वाले दरवाजे से फिर गई वापस। इतने खातिर हो रहेंगे, हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रही है। जरा सारा सालन बना, आलू गोश्त का लेती जाना, परसों बनाया था हमारा, बेवकूफ मत बनाओ तुम, हम सब समझ आए बासी खाना तुमसे, मैंने पहले कह दिया मेरे बच्चों को मैं नहीं खिलाती हूँ, मेरी बेटी रेशमा ने दाल रोटी बना ली हुई वही खा लूंगी, मगर खाऊंगी ताजा खाना, इतनी मेहनत करना पड़ रही है उस चक्कर में नहीं बैठूंगी मैं। फोन आ रही है, एक सेकंड, किसका है? हाँ क्या हुआ शाकिर, हाँ क्या एडमिट कर रहे, क्या एडमिट कर रहे, क्या कह रहे, नॉर्मल डिलीवरी हो गया ऑपरेशन से? अच्छा बड़ी जल्दी एडमिट कर लिया, वो तो कह रहे थे परसों को करेंगे, चलो नाना मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ सही है मेरे भाई, चलो सही है, अल्लाह हाफिज, में पहुँच रही है, एडमिट कर लिया कह रहे हैं, कह रहे सही नहीं है तबीयत, मैं जा रही हूँ बाजी, हाँ चलो अपना ख्याल रखना। नरेंद्र तुम अब अस्पताल में सीधे आ जाना, ठीक है ना, मिलने जरूर आना, वरना बातें बदलेगी कि आई नहीं थे अस्पताल में, खाला दद्दू को मत लाना बस। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि मुन्ना हो या मुन्नी मिठाई जो भी हो वो ले आना, छोटे वाले रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, वो तो सही है, रिक्शा के लिए 50 रुपए दे दो जरा, बैठे थे ना अम्मी के बटन में से 50 रुपए, आ इसको नहीं मिलेंगे, चलो मैं घर से ले लूंगी, चलो सही, अल्लाह हाफिज। हरमदादे आकर गुलशन आंटी को पर्स निकाल कर लाया, उनके मांगने पे मुंह तोड़ दूंगी, बेगैरत नहीं तो।